सोशल मीडिया रातों रात कैसे किसी आम आदमी की जिंदगी बदल देता है, इसका उदाहरण है रानू मंडल। अपनी आवाज से रानू ने इंटरनेट पर यूजर्स को अपना फैन बना दिया, जिसका नतीजा रहा कि वो इंटरनेट स्टार बनकर उभरी। रानू का गाना बॉलीवुड के सितारों तक भी पहुंचा, जिसके बाद हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया है। लेकिन हिमेश रेशमिया से पहले एक शख्स है जो रानू के लिए किसी फरिश्ते की तरह आया। इस शख्स ने रानू का वीडियो बनाया जो वायरल हो गया। रानू पश्चिम बंगाल के रानाघाट स्टेशन पर गाना गाकर ही गुजारा करती थी। उन्हें कईयों ने गाना गाते हुए देखा भी, लेकिन अक्सर लोग उन्हें अनदेखा कर देते थे। रानू अक्सर पुराने गाने ही गाती थी। उनके वायरल हुए वीडियो में वो लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा गा रही हैं। ऐसे ही एक दिन रानू गाना गा रही थी, तभी वहाँ एतिंद्र चक्रवर्ती स्टेशन पर मौजूद थे और वीडियो बना डाला। एतिंद्र ने यह वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर किया। बस फिर तो जो हुआ वो सब जानते हैं। रानू जब हिमेश रेशमिया के लिए गाना रिकॉर्ड कर रही थी, उस वक्त एतिंद्र भी स्टूडियो में ही थे। एतिंद्र को खुद भी यकीन नहीं आ रहा है कि उनके एक वीडियो ने कैसे एक महिला की जिंदगी बदल दी। रानू ने हिमेश रेशमिया को ये मौका देने के लिए शुक्रिया किया। हिमेश रेशमिया की अगली फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर है। इसमें रानू मंडल ने तेरी मेरी कहानी नाम का गाना गाया है। हिमेश रेशमिया ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें रानू स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रही हैं। उनके पास हिमेश खुद खड़े हैं और उन्हें गाइड कर रहे हैं। नेशन भारत के न्यूज रूम से शिवानी पांडे की रिपोर्ट। देश और दुनिया के तमाम बड़े खबरों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशन भारत को।